Hello friends, welcome to my YouTube channel in mathematics, hashtag shivacademy Sonepat. Myself Dr. Manoj Kumar, and my contact number is 9812-4027. Mathematics ko ye kaha jata hai bada boring subject, lekin jo mathematics hai unki raay se ye kuch alag hi hoti hai. तो मैं अपने YouTube चैनल पे कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड जोक्स अभी आपको सुना रहा हूं, जो शायद आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. अब आप सोचोगे मैथमेटिक्स के जोक कैसे बन सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं बन सकते हैं दोस्तों. इससे दो फायदे होंगे, एक तो जोक सुनने को मिलेगा और एक उस जोक के अंदर कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे. तो दोस्तों उसी सीरीज में मैं आप लोगों के सामने अपना जोक नंबर 1 लेकर आ रहा हूं. जोक नंबर 1 एक फॉर्मूले से रिलेटेड है जो आपको पहले मैं फॉर्मूला बताया था, फिर उसको मैं आपको जोक सुनाता हूँ. वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो पीडीएक्स ओपीएक्स होता है वो ई की पावर एक्स होता है, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें, इसको से अगर हम e की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव वो e की पावर x ही रहेगा, और अगर हम इसको इंटीग्रेट भी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो भी उसका आंसर पता क्या है, e की पावर x आएगा. आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो जो हम ऐड कर लेते हैं c, लेकिन बेसिकली फार्मूला क्या है कि जो e की पावर x है उसका डेरिवेटिव e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन जो e की x का है वो भी क्या होता है, e की x होता है. तो जो इसने ऐसे कहा कि एक जेलर था जो कैदियों को डरा के रखता था, वो कैदी को कहता था कि तुम या तो सही राह पर हो नहीं तो मैं तुम्हारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर दूंगा. तो कैदी ये सुन के परेशान हो जाते क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पता ही नहीं था. तो वो ये सोचते थे कि ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ये काले पानी से भी बड़ी सीधा होगी, पता नहीं कहां ले जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे. तो दोस्तों एक हमारे जैसा जिसने मैथमेटिक्स पढ़ रखा था वो जेल में चला जाता है और उसको ये पता चलता है कि ये जो जेलर है ये कैदी वैसे कहता है कि तुम या तो ठीक रहा करते हो मैं तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दूंगा. तो वो जा उसके ज्यादा शार्प करने लगा. अब जैसे वो शार्प करने लगा जेलर उसके पास आया, ज्यादा स्टार्ट करते हो बोला जी मैं बस तुम सुधर जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दूंगा. बोले जी करते हो मैं तो ये पावर एक्स हूं. तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि जो ई पावर एक्स है उसको चाहे डिफरेंशिएट कर लो चाहे इंटीग्रेट कर लो उसका कुछ नहीं बिगड़ता. तो यहां से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा कि जो पीडीएक्स होती है एक्स वो ई की पावर एक्स होता है और जो इंटीग्रेशन है वो भी क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है. दोस्तों अगर ये जो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना, इस पर कमेंट भी करना. मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया जोक लेकर आऊंगा. थैंक यू जो